आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के इस लेक्चर सीरीज में आज हम सेक्शन 64 और सेक्शन 65 इन दो सेक्शंस को कवर करेंगे। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने कंसिलिएशन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझा। हमने सेक्शन 61, 62 और सेक्शन 63 इन तीनों ही सेक्शंस को डिटेल में कवर किया। हमने ये जाना कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 कंसिलिएशन को डिफाइन नहीं करता है। सेक्शन 61 इसके स्कोप एंड एप्लीकेशन की बात करता है। इट टॉक्स अबाउट स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ कंसिलिएशन। सेक्शन 62 कमेंसमेंट ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स के बारे में बात करता है। और सेक्शन 63 नंबर ऑफ कंसिलिएटर्स, जिसमें हमने ये जाना कि कंसिलिएटर का जो नंबर है वो पार्टीज डिसाइड करेंगी। और कंसिलिएटर मे बी इन इवन फॉर्म एंड इट मे ऑल्सो बी इन ऑड फॉर्म। यानी कंसिलिएटर में जो कंसिलिएटर्स हैं वो दो भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, छः भी हो सकते हैं, सात भी हो सकते हैं। यानी दियर नंबर्स मे बी इन इवन और इन ऑड डिपेंडिंग अपॉन द अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। लेकिन आर्बिट्रेशन में जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है उसका कॉम्पोजिशन हमेशा ऑड नंबर में ही होगा इन ऑर्डर टू रीच द मेजॉरिटी डिसीजन, राइट। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 64 और सेक्शन 65 इन दो सेक्शंस को कवर करेंगे। तो सेक्शन 64 क्या कहता है, आइए समझते हैं। सेक्शन 64 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलिएटर्स। सेक्शन 63 नंबर ऑफ कंसिलिएटर्स, और वंस द नंबर हैज बीन डिसाइडेड बाय द पार्टीज, सेक्शन 64 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलिएटर्स के बारे में, राइट। तो क्या कहता है सेक्शन 64, आइए समझते हैं। इन कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स विथ वन कंसिलिएटर पार्टीज में अग्री ऑन द नेम ऑफ सोल कंसिलिएटर। कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स में अगर एक कंसिलिएटर है तो उस एक कंसिलिएटर के नाम को दोनों पार्टीज म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड कर सकती हैं दोनों पार्टीज कि कौन उनका कंसिलिएटर होगा, राइट। इन कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स विथ टू कंसिलिएटर्स ईच पार्टी मे अपॉइंट वन कंसिलिएटर। इफ देयर इज वन कंसिलिएटर और इफ देयर इज सोल कंसिलिएटर तो इसका अपॉइंटमेंट दोनों पार्टीज के द्वारा म्यूचुअली होगा। दे विल अग्री ऑन द नेम ऑफ सोल कंसिलिएटर। एंड इन केस ऑफ टू कंसिलिएटर वन विल अपॉइंटेड बाय वन पार्टी एंड सेकंड विल बी अपॉइंटेड बाय सेकंड पार्टी। और क्या कह रहे हैं, इन कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स विथ थ्री कंसिलिएटर्स ईच पार्टी मे अपॉइंट वन कंसिलिएटर
एंड द पार्टीज मे अग्री ऑन द नेम ऑफ थर्ड कंसीलिएटर हु शैल एक्ट एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और तीन, कंसीलिएटर के केस में एक कंसीलिएटर एक पार्टी अपॉइंट करेगा, दूसरा कंसीलिएटर दूसरा पार्टी अपॉइंट करेगा और ये दोनों पार्टीज मिल करके तीसरे कंसीलिएटर को म्यूचुअली अपॉइंट करेंगे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तरह एक्ट करेगा कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स में, राइट। तो यही है सेक्शन 64 विच टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ कंसीलिएटर। तो सेक्शन 61 स्कोप एंड एप्लीकेशन, सेक्शन 62 कमेंसमेंट ऑफ कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स, सेक्शन 63 नंबर ऑफ कंसीलिएटर्स एंड सेक्शन 64 अपॉइंटमेंट ऑफ कंसीलिएटर्स, राइट। और फोर्थ पॉइंट पार्टीज मे एनलिस्ट द असिस्टेंस ऑफ सुइटेबल इंस्टीट्यूशन और पर्सन इन कनेक्शन विद अपॉइंटमेंट ऑफ कंसीलिएटर्स। तो पार्टीज चाहें तो किसी सुइटेबल इंस्टीट्यूशन का हेल्प ले सकती हैं इन अपॉइंटमेंट ऑफ कंसीलिएटर्स, या पार्टीज चाहें तो वो पर्सन जो कंसीलिएटर्स को अपॉइंट करता है या वो पर्सन जो कंसीलिएटर्स के टच में है उसका हेल्प ले सकती हैं इन अपॉइंटमेंट ऑफ कंसीलिएटर्स। एंड इन पर्टिकुलर, और उस सुइटेबल इंस्टीट्यूशन से अगर उन्होंने हेल्प लिया है तो उसको, या अगर उस पर्सन को जो इन कनेक्शन विद कंसीलिएटर्स है अगर उसको अप्रोच किया है तो उसको क्या करेंगी पार्टीज। फर्स्ट, पार्टी मे रिक्वेस्ट सच एन इंस्टीट्यूशन और पर्सन टू रिकमेंड द नेम्स ऑफ सुइटेबल इंडिविजुअल्स टू एक्ट एज कंसीलिएटर। तो इफ पार्टीज हैव अप्रोच्ड टू एन इंस्टीट्यूशन तो उस इंस्टीट्यूशन से पार्टीज रिक्वेस्ट करेंगी कि आप हमें एक इंडिपेंडेंट एक इम्पार्शियल कंसीलिएटर हमारे लिए अपॉइंट कर दो हमारे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराने में। इन केस दोज पार्टीज हैव अप्रोच्ड द थर्ड पर्सन तो उस थर्ड पर्सन से भी पार्टीज रिक्वेस्ट करेंगी रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ कंसीलिएटर्स। इट मीन्स parties having two options available, parties may go for an institution for the search of conciliators or parties may go for a person who may assist them in finding the right conciliator, right। dusra kya hai, parties may agree that the appointment of one or more conciliators may be made directly by such an institution or person। parties ye bhi decide kar sakti hain ki us particular institution se ya us particular person se hum ye keh denge ki we need this much number of conciliators, hame तीन कंसीलिएटर चाहिए या चार चाहिए कि दो चाहिए। तो नंबर ऑफ कंसीलिएटर्स में ऑल्सो बी रिक्वेस्टेड टू द इंस्टीट्यूशन और टू द पर्सन बाय द पार्टीज डायरेक्टली, राइट। आगे कहता है प्रोवाइडेड दैट इन रिकमेंडिंग और अपॉइंटिंग इंडिविजुअल्स टू एक्ट एज सच कंसीलिएटर द इंस्टीट्यूशन और पर्सन शैल हैव द रिगार्ड to such consideration as are likely to secure the appointment of an independent and impartial conciliator। तो वो particular institution या वो particular person जो parties को help कर रहे हैं conciliators को appoint कराने में,
इंस्टीट्यूशन को या उस पर्सन को वाइल रिकमेंडिंग द कंसीलिएटर्स ये इंश्योर करना है कि जो कंसीलिएटर हो वो इंडिपेंडेंट हो, इम्पार्शियल हो एंड विथ रिस्पेक्ट टू सोल और थर्ड कंसीलिएटर एंड विथ रिस्पेक्ट टू सोल और थर्ड कंसीलिएटर शैल टेक इनटू अकाउंट द एडवाइजेबिलिटी ऑफ अपॉइंटिंग अ कंसीलिएटर ऑफ नेशनैलिटी अदर दैन नेशनैलिटीज ऑफ पार्टीज। तो अगर एक कंसीलिएटर है जिसे इंस्टीट्यूशन ने या पर्सन ने रिकमेंड किया है तो उस इंस्टीट्यूशन को, उस पर्सन को ये एफर्ट करना है कि वो जो कंसीलिएटर हो वो पार्टीज के नेशनैलिटी का ना हो, अदर देन द नेशन वेयर पार्टी रिसाइड्स। तो अगर एक कंसीलिएटर है या तीन कंसीलिएटर्स हैं तो उस इंस्टीट्यूशन को या उस पर्सन को ये इंश्योर करना है कि वो दूसरे नेशंस के हों। इन केस ऑफ थ्री कंसीलिएटर, अगर तीन कंसीलिएटर्स हैं, सपोज करो इंस्टीट्यूशन ने या पर्सन ने रिकमेंड किया है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पार्टीज थ्री कंसीलिएटर्स, तो उस इंस्टीट्यूशन को या उस पर्सन को ये इंश्योर करना है कि जो तीसरा कंसीलिएटर हो वो दूसरे नेशन का हो। इन केस पार्टीज हैव अग्रीड फॉर द सोल अपॉइंटमेंट ऑफ कंसीलिएटर एंड दे अप्रोच द इंस्टीट्यूशन, तो इंस्टीट्यूशन को ये एफर्ट करना है कि ये जो सोल कंसीलिएटर है वो दूसरे नेशन का हो। राइट, तो यही कह रहा है। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इन कंसीलिएटर्स के इम्पार्शियल होने का ज्यादा चांस होगा। राइट, सेक्शन 65, तो ये था सेक्शन 64 अपॉइंटमेंट ऑफ कंसीलिएटर्स, जिसे हमने डिटेल में समझा। अब हम बात करेंगे सेक्शन 65। सेक्शन 65, सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट्स टू कंसीलिएटर। नाउ नंबर ऑफ कंसीलिएटर्स हैव बीन डिसाइडेड, appointment of conciliators have been done. Now the next step is how to start the conciliation proceedings. अब हमें conciliation proceedings को start करना है। तो conciliation proceedings को start करने के लिए what are the documents which are required to be submitted before the conciliators? तो सेक्शन 65 कहता है सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स बिफोर कंसीलिएटर्स। पहला पॉइंट, कंसीलिएटर अपॉन हिज अपॉइंटमेंट मे रिक्वेस्ट ईच पार्टी टू सबमिट टू हिमसेल्फ अ ब्रीफ रिटन स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द जनरल नेचर ऑफ डिस्प्यूट एंड points at issues. Each party shall send a copy of such statement to other party. Conciliator अपने appointment के बाद parties को request करेगा, दोनों ही parties को request करेगा कि आप मुझे एक brief written statement दे दो जिसमें आप अपने general disputes को disclose कर दो।
और क्या क्या पॉइंट्स हैं विच आर इन इशू जिस पे आप रिजोल्यूशन चाहते हो, जिसे आप रिजॉल्व करना चाहते हो, उन पॉइंट्स को भी हाईलाइट कर दो। और जब दोनों पार्टीज रिटन स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द जनरल नेचर ऑफ डिस्प्यूट कंसिलिएटर को सबमिट कर देंगी, तो एक एक कॉपी दोनों पार्टीज को दे दिया जाएगा कंसिलिएटर के द्वारा, ये इंश्योर करने के लिए कि कहीं कोई डिस्प्यूट रह तो नहीं गया है या कहीं कोई डिस्प्यूट छूट तो नहीं गया है, पार्टीज आपस में इंश्योर कर लें, राइट। तो ये है, तो सबसे पहले दोनों पार्टीज़ को रिटन स्टेटमेंट देना है, उसमें डिस्प्यूट को डिस्क्लोज करना है और जो भी पॉइंट्स हैं जो इशू में बने हुए हैं, जिन पर दोनों पार्टीज सोल्यूशन चाहती हैं, उसे डिस्क्राइब कर देंगी और सबमिट करेंगी बिफोर द कंसिलिएटर। उन रिटन स्टेटमेंट्स का एक एक कॉपी दोनों पार्टीज़ को दे दिया जाएगा। सेकेंड स्टेप, कंसिलिएटर मे रिक्वेस्ट ईच पार्टी टू सबमिट टू हिम अ फर्दर रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज पोजीशन एंड द फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स इन सपोर्ट देयर ऑफ सप्लीमेंटेड बाय एनी डॉक्यूमेंट एंड अदर एविडेंस दैट सच पार्टी डीम्स अप्रोप्रिएट। Party shall send copy of such statement, documents and other evidence to other party. अब कह रहा है, conciliator may request each party. Conciliator दोनों parties को request करेगा to submit to him a further written statement of his position. कि वो एक written statement में ये declare करें कि उन्होंने मुझे कंसीलिएटर के तौर पर अपॉइंट किया है और जो भी डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं इन सपोर्ट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, उन्हें भी वो सबमिट कर दे बिफोर द कंसीलिएटर। और दोनों ही पार्टीज को एक एक कॉपी मिल जाएगा उस स्टेटमेंट का, राइट। तीसरा, एट एनी स्टेज ऑफ कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स The conciliator may request a party to submit to him such additional information as he deems appropriate. तो conciliation proceeding के किसी भी stage पर conciliator parties को request कर सकता है कि there is need of some additional information. So you have to submit these informations or you have to submit these documents. Because these documents are crucial for the commencement of conciliation proceedings. तो conciliator किसी भी stage of conciliation proceedings में parties को request कर सकती है to submit additional information. Right? तो ये था section 65 और section 64. इन दो sections को आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिटेल में कवर किया। अगर आप मेरे लेक्चर्स को ध्यान से सुनते हो, समझते हो, तो आप अपने आप नोट्स बना सकते हो, राइट। और हमेशा से मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं हर एक टॉपिक को इतना डिटेल में, इतना सिंपल वे में समझाऊं कि आपको फर्दर वीडियोस या कोई कोचिंग ज्वाइन ना करना पड़े। तो अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, मेरे वीडियोस किसी भी मैनर में आपको हेल्प करते हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अब जाने से पहले हम कल डिस्कस करेंगे रोल ऑफ कंसीलिएटर और कम्युनिकेशन बिटवीन कंसीलिएटर एंड पार्टीज, सेक्शन 69, और एक और सेक्शन है विच इज टर्मिनेशन ऑफ कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स। तो इन तीन सेक्शंस को हम कवर करेंगे, सेक्शन 67, 69 एंड सेक्शन 76। इन तीन सेक्शंस को कवर करते ही हमारा कंसीलिएशन खत्म हो जाएगा,
और फिर हम बात करेंगे PIL के बारे में, राइट, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा ऑन ADR. तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.